दोस्तों, देश में इस समय लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और आपने इस माहौल के दौरान अक्सर सुना होगा कि इस उम्मीदवार की तो जमानत जब्त हो जाएगी या फिर किसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो चुकी। तो ये जमानत जब्त होना क्या होता है, क्या कोई जमानत राशि होती है और वो कब जब्त कर ली जाती है, इस बारे में आपको पूरी जानकारी डिटेल में इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और मैं आपको बताता हूं सारी चीजें जो आपको इससे संबंधित जाननी चाहिए। दोस्तों, देश के अंदर कोई भी चुनाव अगर होता है तो उस चुनाव से पहले नामांकन दाखिल करना पड़ता है, यानी कि पर्चा भरना पड़ता है। आपने सुना होगा कि उम्मीदवार आज पर्चा भरने के लिए जा रहे हैं, यानी कि अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जाते हैं। तो जब भी वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जाते हैं या फिर पर्चा भरने के लिए जाते हैं तो उनको एक राशि जो है धनराशि वो जमा करानी पड़ती है अपनी जमानत के तौर पे। वो राशि उनको वोटिंग प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद में मिलती है। अब बात करते हैं कि जमानत राशि जब्त कब होती है, किस कंडीशन में जमानत राशि जब्त होती है और हम क्यों बोलते हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी। तो किसी भी सीट पर पड़े कुल बैलेट वोट, यानी कि पूरे बैलेट वोट होने चाहिए, उसमें जो रद्द हो गया या फिर किसी ने डाला नहीं उससे मतलब नहीं है कि टोटल वोट कितने होते हैं। कुल बैलेट वोट कितने होते हैं उनमें से छठा हिस्सा भी अगर कोई भी उम्मीदवार हासिल नहीं कर पाता है तो ऐसे में जो जमानत राशि है उसने नामांकन दाखिल करते टाइम पे जमा कराई थी वो जब्त कर ली जाती है। मान लीजिए कि किसी सीट पर 6 लाख वोट पड़े और कोई भी उम्मीदवार 1 लाख वोट हासिल नहीं कर पाया, उससे नीचे रह गया, तो वो जमानत उसकी जो पहले जमा की थी वो जब्त कर ली जाएगी। वो जमानत राशि छठे हिस्से से कम वोट आने पर एक ही सूरत में मिल सकती है, जब वो उम्मीदवार जो है जीत गया हो उस क्षेत्र से। तो ये तो होना बड़ा नामुमकिन है, ये एक ही कंडीशन में हो सकता है कि वहां पे बहुत सारे उम्मीदवार हो तो उस कंडीशन में ये कंडीशन फॉलो की जा सकती है। अब बात करते हैं कि नामांकन राशि जो होती है वो किस किस कंडीशन में वापस हो जाती है। एक तो मैंने आपको बताया कि अगर टोटल वोट का छठे हिस्से से ज़्यादा वोट अगर मिल जाते हैं तो वापस हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी क्षेत्र का उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेता है या फिर उसका नामांकन किसी वजह से खारिज हो जाता है तो इस कंडीशन में उसको जो है पूरी जमानत राशि मिल जाती है। इसके अलावा अगर वोटिंग प्रक्रिया होने से पहले अगर किसी उम्मीदवार की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में भी उसकी जमानत राशि उसके घर वालों को मिल जाती है। और इसके अलावा तो उसको टोटल वोट जितने पड़े उसका छठा हिस्सा जितना होता है उससे ज़्यादा वोट लेके आने पड़ेंगे, उसकी जमानत राशि वापस हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जमानत राशि होती कितनी है। तो दोस्तों, जमानत राशि जो होती है वो अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग होती है। विधानसभा चुनाव के लिए अलग होती है, जिला पार्षद चुनाव के लिए अलग होती है, प्रधानी के चुनाव के लिए अलग हो सकती है और लोकसभा चुनाव के लिए अलग होती है। तो अभी देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है तो आपको लोकसभा चुनाव की जमानत राशि बता देता हूं। तो वर्तमान में लोकसभा चुनाव की जो राशि है वो 25,000 रुपए है अगर आप जनरल में या ओबीसी में आते हैं। इसके अलावा आप अगर एसटी एससी में आते हैं तो आपको यहां पर 12,500 रुपए की जमानत राशि देनी पड़ेगी। तो यही सब था इस वीडियो में, जमानत जब्त होने से लेके जमानत राशि क्या होती है, कैसे वापस मिलती है, कितनी होती है, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलूँगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।